राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। ठंड के महीने में जहां सीकर और झुंझुनू का तापमान 0 डिग्री से माइनस में जा रहा है, वहीं शेखावटी में राजनीति ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 5 दिनों तक प्रदेश के 5 जिलों में जनसभा और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहूंगा। आम जनसभाओं और जनसंपर्क का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू, 19 जनवरी को पाली, 20 जनवरी को जयपुर। सचिन पायलट के कार्यक्रमों को मजबूती देने के लिए पायलट गुट पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। पायलट के इन कार्यक्रमों को विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि ये वो जिले हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी थी और सबसे मजबूत रही। नागौर और झुंझुनू है फोकस में। नागौर के बरबतस से कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया 16 जनवरी की तैयारी में लग गए हैं। वहीं राजेंद्र सिंह गोड़ा 18 जनवरी को झुंझुनू में होने वाली पायलट की विशाल जनसभा की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि इस जनसभा में सीकर और झुंझुनू को फोकस में रखा गया है। इसमें बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख लोग आएंगे। उन्होंने कहा, इस जनसभा में किसान, महंगाई, बेरोजगारी के साथ लोकल मुद्दे भी रखे जाएंगे। गुड़ा ने कहा कि कई मुद्दे उस दौरान और भी हो सकते हैं, साथ ही जनसभा में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी सवाल किया जाएगा। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बताया, उदयपुर वाटी विधानसभा के गिरवाड़ी, बागौरा, छापोली, नेवरी, किशोरपुरा, मैनपुरा, चवरा, गढ़ला इत्यादि जगह के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी, जो जनसभा होने से पहले तक चलती रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और जयपुर जिले में कुल 40 से अधिक सीटें हैं। वहीं सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस और खंडेला सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। वहीं बीजेपी का वर्ष 2018 में इस जिले में खाता तक नहीं खुला था। झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिन पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, इसलिए तैयारी तेज हो गई है, कम से कम 15 सीटों पर अपनी ताकत दिखाई जाए।